ठीक है भाई, आज फिर मैंने तो खिला दिया, आज फिर ये आप पर उधार रहेगा, मिलते हैं कल, कल आपकी बारी है, याद रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यार, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि मैं ईद करने के लिए गाँव आया हुआ था, इस वजह से ईद का पहला दिन है और सुबह के 8 बजे और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर जा रहा हूँ, अपने गाँव में, जहाँ हम सब इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं। यार, थोड़ी देर के बाद मैं अपने गाँव पहुँच आया था और ये बाइक मैंने अपने एक पड़ोसी के घर पार्क की और फिर ये रास्ता जाता है जंगल से उतर कर जो मुझे मेरे फार्म हाउस की तरफ लेकर जाता है। खैर, ये आगे मेरे वालिद साहब तेज़ तेज़ जा रहे हैं और मैं उनके पीछे आस्ता आस्ता जा रहा हूँ। 8 बज चुके हैं वैसे भी और नमाज़ का टाइम हो रहा है। आपको बताता चलूँ कि जो मेरा फार्म हाउस है उसके आसपास कोई मस्जिद नहीं है, इस वजह से मेरे ताए चाचे यानी मेरे वालिद मोहतरम और उनके वालिद मोहतरम यानी मेरे दादा साहब, हम सारे मिलकर इकट्ठे घर ही ईद पढ़ते हैं और हमारे सब कज़न्स वगैरह भी इस नमाज़ में शरीक होते हैं। खैर, ये रास्ता जंगल से उतरकर मेरे फार्म हाउस की तरफ जाता है और यह रास्ता काफ़ी दुश्वार है, इससे उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं घर बहुत ही कम आता हूँ और मुश्किल तरीन वक्त में आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ईद वाला दिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सामान भी होता है और सामान को उठाकर फार्म हाउस की तरफ जाना यानी मज़ीद दुश्वारी और मज़ीद जलालत वाला काम हो जाता है। खैर, थोड़ा सा सफ़र है तकरीबन 5 से 10 मिनट का, उसके बाद हम फार्म हाउस की तरफ पहुँच जाते हैं। फार्म हाउस पहुँचते साथ ही हम नमाज़ की तैयारियां शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं और एंड पर दादा साहब हमारे खुतबा देते हैं। खैर, ईद की नमाज हम सब ने मिलकर अदा कर ली थी। मेरे दादा मोहतरम मेरे छोटे कज़न को कह रहे थे कि वो नारा लगाए लेकिन वो कैमरे के सामने शर्मा रहा था। खैर, ये मेरे फार्म हाउस के कुछ नज़ारे और ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं जो मेरी दादी मोहतरम ने अपने हाथ से खुद उगाए हुए। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के दरख्त भी हैं और चीड़ के दरख्त और मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार और फूलदार दोनों किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। खैर, ये सामने जो है इन पहाड़ों के पीछे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसकी दूसरी तरफ इंडिया का हिस्सा है मकबूज़ा कश्मीर, वहाँ भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन जो हमारे दरमियान फासला है वो सिर्फ एक LOC का है। ये कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे मेरे घर से दिखाई देते हैं। यहाँ का मौसम भी चेक कर लें कितना प्यारा है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त वगैरह भी आप देख लें। खैर, काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद और खाना खाने के बाद मैं अपने एक कज़न से कहता हूँ कि वो मेरी वीडियो शूट करे, लेकिन उस नथ चल्ले को मेरी वीडियो शूट करना ही नहीं आई और इस वजह से उसने सारी वीडियो भी ख़राब कर दी। ये पार्ट मैंने इसलिए ऐड कर लिया ताकि मैं शशके मार सकूं। खैर, 2 घंटे के बाद मैं वापसी का रुख करता हूं और ये मुश्किल तरीन रास्ता दोबारा से चढ़कर मैं अपने शहर की तरफ दोबारा रवाना हो जाता हूं। खैर, आते हुए हमारे लिए आसानी थोड़ी सी थी क्योंकि सारा रास्ता उतराई का था और हम आस्ता आस्ता आगे थे, लेकिन वापसी पर सारा रास्ता चढ़ाई का, इस वजह से मेरी सांस फूल रही है और मेरे वालिद साहब पहले ही जा चुके हैं। किसी तरीके से मैं खुद को समझाते धक्का देते हुए मैं रोड पर आ चुका था और वहाँ आते साथ ही मैंने स्टिंक पी और अपने आप को ठंडा किया। रात के तकरीबन 11-1 बजे तक मैं शहर वापस आ गया था और आते साथ ही मुझे एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और मैं अपनी बाइक निकाल कर उसकी तरफ तेज़ी से जाने लगा और ये रास्ता है जहाँ से मैं गुजर के जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त को गली देता है कि तू जल्दी से पहुंच, मैं पहुंच चुका हूं। खैर, जाकर मैं वहां देखता हूं, वो पहले से वहां मौजूद नहीं था। खैर, इसके बाद मैं इसे कॉल करके बुलाता हूं। किधर हो? कुदरे नीचे हूं, प्लाजा के नीचे खड़ा। मैं आया। ठीक है, जल्दी आ। चलते हैं सादा यार, आज चले निकले, क्या प्लान है? चलते आज निकलते हैं। तकरीबन रात के 12 बजे हम दोनों दोस्त सारदा के मुकाम पर जा रहे हैं। सारदा वो जगह है जहाँ से हमारे शहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। पिछले व्लॉग में मैंने उसके थोड़े से क्लिप ऐड किए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। खैर, इसके बाद हम तेज़ी से उस मुकाम की तरफ जाने लगे हैं।
बाहर तो भाई साहब हमें ले आए हैं रात के वक्त ये नज़ारा दिखाने के लिए। इस वक्त यहाँ तो माहौल बिल्कुल ठंडा हो चुका है, कोई पिकनिक स्पॉट पर कोई बंदा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? भाई शहर में तो मौसम काफ़ी गर्म था, तो आए अभी देखते हैं। इधर मौसम तो अभी बहुत प्यारा है, काफ़ी दिलकश मंजर है और आसमान पे तारे, ये अंधेरा, साथ में इधर है भी तनहा, इतना ना कोई आवाम ना बात, बड़ा ज़बरदस्त प्यारा मौसम है। अब जाएंगे वापस, जाके कोई चाय वगैरह पियेंगे और साथ में कपड़े वगैरह भी लेने हैं वापस। तो भाई हो गया सैर सपाटा, तो अब वापसी चलते हैं, देखते हैं। क्या क्लास है जेते? जो तुम क्लास हो ऐसी खास हो तो भाई थोड़ी बड़ी है, ये तुम पर डिपेंड करना। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बैठकर? भाई बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, आज चाय कदा पियो, यहाँ पे तो मौसम बहुत ज़बरदस्त, सीन बहुत आला है, देख सकते हैं। आज खिलौना क्या खिलोगे बोलो? यार खिला नहीं सकता लेकिन खिला सकता हूँ। क्या क्या खिलोगे? वही चीज़। क्या क्या? पानी। पानी बस? वो तो मैं कितना पियोगे? चलो बुलाओ ना उसको, कोई ऑर्डर देते हैं कुछ खाते हैं। बुलाते हैं क्या कुछ खाना है ये तो बताओ भाई, क्या ऑर्डर करना चाहते हो? चाय पी लेते हैं साथ, फ्राइज वगैरह। बस 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 एक बर्गर और साथ फ्राइज, ठीक है। उसके बाद मैक्रोनीस, उसके बाद एक पिज़्ज़ा, एक कोक की बोतल, बस। खैर इन सब शुगल मेले और टीटू पार्टियों के बाद मेरा दोस्त मेन्यू बुक को इस तरह देखने लगा जिस तरह आज इसने सारा ऑर्डर दे देना है, आज कढ़ाई इसने खिलानी है, जबकि इसके पास चाय तक पिलाने के भी पैसे नहीं थे। बाद में वसूली भी इसने मुझसे की। इसका चेहरा गौर से देखने लगा, चेहरे से इस तरह लग रहा है जिस तरह ये वज़ीर आज़म बनकर बैठा हुआ है और मेन्यू कार्ड को इस तरह पकड़े हुए बैठा हुआ है जिस तरह आज सब कुछ इसने लुटा देना। ठीक है भाई, आज फिर मैंने तो खिला दिया, आज फिर ये आप पर उधार रहेगा, मिलते हैं कल, कल आपकी बारी है, याद रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खैर मेरा रामी दोस्त कैमरे के सामने शशके मार के अब तो चला गया और रात तकरीबन एक का टाइम हो चुका है। अब मैं भी अपने रूम की तरफ वापस जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।